विधायक हो तो ऐसा। कांग्रेस विधायक ने भाजपा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छूकर दिया आशीर्वाद, विकास के लिए कहीं भी जाना पड़े जरूर जाऊंगा। शिवपुरी में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा था। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पोहरी के कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कैलाश कुशवाहा ने कहा कि विकास कार्यों को लेकर मैंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की। इसके बाद कैलाश कुशवाहा ने बताया कि मेरी विधानसभा और जिले में जहां मैं निवास करता हूं वहां के सांसद अलग अलग हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए मैं किसी के पास भी जा सकता हूं, चाहे वह भाजपा के मंत्री हो। जब उनसे पूछा गया कि आप दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के पास नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र के नाते जो मेरे यहाँ से सांसद हैं उनके पास विकास कार्यों के लिए जरूर जाऊंगा, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों। आपको बता दें, राम निवास रावत के बारे में जब उनसे पूछा कि वह कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं, इस पर उन्होंने कहा कि उनका निजी मामला था, लेकिन मैं हमेशा कांग्रेस में रहूंगा। आपने अभी महाराज ज्योतिराज सिंधिया के पैर छुए हैं, पैर छूके आशीर्वाद दिया, क्या आप उनके संपर्क में, बीजेपी के संपर्क में, क्या कब जाने वाले? देखो, ऐसा है कि हमारे क्षेत्र के सांसद हैं और पूरे जिले के विकास की आज मीटिंग थी और मैं विधायक होने के नाते मुझे बुलाया गया और मैं आया, और हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं और महाराज भी हैं, और मैंने पैर छूकर उन्हें सम्मान मेरा फर्ज निभाया। लेकिन पार्टी की बात आती है तो मैं कांग्रेस में से विधायक बनाऊँ, जो मुझे कांग्रेस ने सम्मान दिया है, मैं हमेशा कांग्रेस में रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। उसके अलावा विकास के लिए मैं महाराज के पास, अगर मुझे विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जाना पड़े तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बाद नहीं जाएंगे? नहीं, क्षेत्र के सांसद होने के नाते, और वे तो हमारे सब आपके थोड़े नेता हैं, सांसद तो दूसरे हैं आपके, भारत के तो हैं। नहीं, जिले के तो नहीं है, मैं जिले में निवासी हूँ, मेरा वोट यहाँ भरत सिंह के पास भी जाऊंगा। हमारे माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सर्वोच्च नेता, और ऐसा नहीं है, मुझे अगर क्षेत्र का विकास करने के लिए भाजपा के मंत्रियों के पास भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। कोई अटकले वैसे कोई संपर्क जाने माने का कोई विकास के लिए बीजेपी से आया हो कुछ जाने का कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और क्षेत्र के विकास के लिए सभी जाते हैं, वो नहीं जाता। जैसे राम निवास रावत जी ने पार्टी छोड़ दी, आप तो नहीं छोड़ने वाले? देखो क्या है, राम निवास रावत जी का निजी मामला है, उन्होंने क्या किया, लेकिन मैं, मुझे जनता ने बनाया है, आप विश्वास करो, मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं जनता को धोखा नहीं दूंगा।